नमस्कार। इस वक्त किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के लिए बल्ले बल्ले, आज नरमा 12,000 तक पहुंच सकता है। सभी मंडियों के रेट जानेंगे एक बार फिर। किसानों के नरमा कपास के दामों में भारी, बीते साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा भाव मिल रहा है। देश में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अनेक मंडियों में नरमा व कपास की कोटेन की कीमतें आवक धीरे धीरे आवक शुरू हुई है। हालांकि इस माल की आवक बहुत कम है, जो कि अक्टूबर माह की शुरुआत तक बढ़ जाएगी। लेकिन मीडिया में छिपी रिपोर्ट की माने तो इस बार अमेरिका में कपास की फसल कमज़ोर रहने से कपास के दाम अच्छे पिछले साल के मुकाबले इस साल भी अच्छे 1.5 गुना ज़्यादा भाव मिल सकते हैं। पिछले साल अगस्त के अंत तक सितंबर के माह की शुरुआती नरमे का भाव 6,500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि इस बार सितंबर के पहले सप्ताह में 9,000 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुँच चुकी है। लेकिन बड़ी मंडियों की बात करें तो यहाँ खरगोन मध्य प्रदेश की मंडी में नरमे का भाव 12,000 रुपये रहा और मानवार मध्य प्रदेश की मंडी में 9,000 तक और हरियाणा सिरसा की मंडी में 10,000 तक नरमा बिक चुका है और बरवाला में भी 10,000 तक, आदमपुर में भी 10,000 तक, ओयलनाबाद की मंडी में भी 10,000 तक और फतेहाबाद मंडी में भी 10,000 तक। लगभग सभी मंडियों में 10 से 12,000 तक बिक चुका है। लेकिन राजस्थान की पदमपुर की मंडी में भी 10,000 तक बिक चुका है और संगरिया मंडी में भी 9,500 तक और हनुमानगढ़ मंडी में भी यहाँ 10,000 तक नरमा बिक चुका है। लेकिन पंजाब की मंडी में भी 10,000 तक और पंजाब की डब्बा वाली अबोहर व सभी मंडियों में 10,000 तक भाव पहुँच चुके हैं। कीमतों का रुख देखने को मिल रहा है। बाजार के खुलने के साथ ही आज कोटेन 31 अक्टूबर के प्राइस के मुताबिक 10 रुपये की तेजी के साथ ही आज खुला बाजार है। बता दें भविष्य में कपास के भाव क्या रह सकते हैं। बिजनेस स्टैंड के छिपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार देश में कपास की खपत करीब 315-320 लाख गांठ रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर कपास की फसल खराब होने के कारण इस साल कीमतों में तेजी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान में मौसम मार पड़ने के कारण कपास की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ, जिस कारण लंबे समय से कॉटन के बाजार सकारात्मक रहने वाला। किसानों से रिलेटेड हर खबर के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।